सो हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल में हुआ पे दानिश और आप देख रहे हैं ब्लॉग सुखा। अभी टाइम हो रहा दोपहर के 5 बज रहे हैं और अभी क्या है, अभी मैं तो जैसे कि आप लोग जानते हैं 2-3 दिन से ड्यूटी नहीं लग रही, उसकी वजह ये थी कि त्यौहार था। आज है त्यौहार का दूसरा दिन, तो कल मेरे फैमिली से मतलब मेरी कफिल की फैमिली से कोई नहीं गया था, तो आज हो सकता है जाने वाले हैं, क्योंकि मैं अभी जस्ट कफिल को अपने उनकी मामा के वहाँ से लेके आ रहा हूँ। तो वो मुझे बोल रहे थे कि अभी अजीज़िया जाना है, तो अजीज़िया में क्या है, अजीज़िया में मेरी मैडम के बाबा रहते हैं, बाबा का घर है, तो हो सकता है वहाँ आज पार्टी होगी, जिसकी वजह से त्यौहार की पार्टी होगी, जिसकी वजह से वहाँ आज जाना है। तो अभी गाड़ी है बहुत गंदी, आज हफ्ते भर हो गए मैंने गाड़ी नहीं धुली है, तो फटाक से गाड़ी धुलते हैं, क्योंकि 1 घंटे तो लगेगा इसको अच्छे साफ़ करने में, अंदर से बाहर तक ले के। तो साफ़ करते हैं, उसके बाद देखते हैं कितने बजे निकलते हैं, कितने बजे नहीं, जो भी होगा आगे बताएंगे आप लोग को। और उससे पहले पूछते हैं आप लोगों से, कैसे हैं आप लोग? इंशाल्लाह आप सभी अच्छे होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको भाई भी अच्छा है, आप लोग की दुआएं, आप लोग के प्यार, आप लोग का सपोर्ट है। तो चलिए फटाफट गाड़ी धुलते हैं, उसके बाद जो भी होगा बताएंगे आप लोग को। उससे पहले आप लोगों को छोटी सी अपडेट देनी, अपडेट ये है कि इन्फॉर्मेशन ये है कि मेरे पास अभी एक लोगों ने मुझसे बोला है कि अगर कोई बंदा ऐसा है जो सऊदी अरब में रहता है, रियाद, जद्दा, दम्माम कहीं पर भी है, अगर आपको कफाला चाहिए तो मेरे घर के पास ही है, उनको वीज़ा दे रहे हैं वो, तो अगर आपको चाहिए कोई भी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम मैसेज कर सकते हैं, ये इंस्टाग्राम हैंडल, फटाक से जाइए मैसेज करिए, आपका काम हो जाएगा, आप मेरे पास रहेंगे। अब मुझे मालूम नहीं एग्जैक्टली कहाँ पर है, मुझसे एक बंदे ने बोला है कि भाई एक लोग हैं, उन्होंने मुझसे बोला है कि कोई अगर बंदा तुम्हारे पास हो कफाले के लिए तो मुझसे बताओ। तो मैंने आप लोग को बता दी है, अगर आप में से कोई भी है जो सऊदी अरबिया में है, आपको कफाला चाहिए, तो आइए फटाक से कफाला लीजिए हाउस ड्राइवर का। हाँ, वो क्या है इन्फॉर्मेशन, आपको मैं बाकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इंस्टाग्राम पर दे दूँगा, फिर भी मैं बता दूँ, रिटर्न होना चाहिए, काफ़ी एक्सपीरियंस होना चाहिए, कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, अरबी आनी चाहिए, 1700 रियाल सैलरी मिलेगी आपको। तो जो लोग भी हैं तो मुझे मैसेज करें इंस्टाग्राम पर, इंशाल्लाह काम हो जाएगा। तो फाइनली दम गाड़ी चमका दिया है, अंदर से लेके बाहर तक की दम, भाई साहब बहुत ज़्यादा एकदम पसीना पसीना हो गया मैं। तो अभी चलते पहले देख लो कितना पसीना है, तो चलते पहले नहा लेते हैं, उस बार देखें क्या करना है क्या नहीं। तो अब नहाते हैं, बहुत बहुत तेज़ गर्मी लग रही है। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है, रात के 12 बज रहे हैं, आप मेरी आँख देख सकते हैं एकदम लाल हो गई। उसकी वजह ये है कि जो मैं अपने कफिल की मैडम लोग के साथ जाने वाला था, मतलब कि अपनी मैडम के लोग के साथ जाने वाला था उनको छोड़ने के लिए, तो जाना तो था लेकिन मुझसे बोले तुम मत जाओ, लड़का बोला मैं छोड़ के आता हूँ, रात में तुम लेके आना। तो ये 12 बज गया, ये फ़ोन आया है कि आ जाओ वापस, अब मतलब लेने के लिए आ जाओ। तो मैं 11 बजे सोया था, 12 बज गया है, 1 घंटे में आप जानते हैं कि सोएंगे तो फिर नींद नहीं आती है, मतलब कि आँख लाल हो जाती है। तो फटाफट मुंह धुलते हैं, उसके बाद चलते हैं अजीज़िया सऊदी अरेबिया रियाद। गाइस अभी रात के बज रहे हैं 1:25, और जैसे कि आप लोग मैंने बताया था 12 बजे के समथिंग मैं घर से निकला था मैडम को लेने के लिए। तो अभी मैं वहां पर पहुंचा था, तो उसके बाद मोहम्मद ने कॉल किया, यहां मैंने बोला बाहर खड़ा हूं, तो बोला कि गाड़ी स्टार्ट कर, गाड़ी स्टार्ट कर दे। उसके बाद मैं आया भी मोहम्मद के
दोस्त के घर। मैं अभी उसको यहाँ पर इधर छोड़ने के लिए आया था खुरैश रोड पर। खुरैश इसके दोस्त के जस्ट घर के सामने मेरे कज़न रहते हैं, मेरे कज़न हैं, भाई लगते हैं। लेकिन अब रात का 1 बज रहा है जिसकी वजह से मैं उनके रूम पर जाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि यार वो सो रहे होंगे, क्या मालूम थके मांदे आए होंगे, ड्यूटी कैसी थी कैसी नहीं। अगर 10 या 11 बज रहा तो मैं शायद एक बार नॉक कर सकता था उनका रूम, लेकिन रात के 1 बज रहे हैं, नॉक करने में अच्छा नहीं लगता है। तो अभी फ़िलहाल मैं चलता हूँ वापस मैडम के वहाँ पर। तो मैं खुरैश रोड पर हूँ अभी, अजीज़िया फिर वापस जाना है। मोहम्मद को मैंने यहाँ पर छोड़ने के लिए आया था, मैंने छोड़ दिया है, चलते हैं घर, मतलब चलते हैं मैडम को लेने के लिए फिर। Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Oh, hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit, I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. And this is just the beginning, I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it, how you gonna move for it, what you gonna be, and do you believe you can do anything, but what you gonna do for it, how you gonna move for it, what you gonna be. तो गाइस अभी घर पहुंच गए हैं, लगभग 1:50 हो गए हैं। तो घर नहीं पहुंचे हैं, घर के पास ये बकाला है तो वहां पर मैं रुका हूं। आजकल सीन ऐसा है ना, प्यास खाना कम प्यास ज़्यादा लग रही है और ड्यूटी कम नींद ज़्यादा लग रही है, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है यार, इतना सो रहा उसके बाद भी नींद आ रही है। ना मदरसा है ना स्कूल है, तो थोड़ी मोड़ी ड्यूटी उसके बाद नींद। चलो चलते हैं। सो गाइस अभी टाइम हो गया है 4 बज रहे हैं और अभी मैं जस्ट आ गया हूँ मैडम को लेके। अभी टाइम है फजर का और वीडियो को एंड करने से पहले आप लोग को एक बार फिर रिमाइंड करा देता हूँ कि जो लोग भी, मतलब कि एक ही वीज़ा है, ज़्यादा नहीं है, कोई भी भाई को ज़रूरत है वीज़े की तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं कफाले के लिए। तो मुझे इंस्टाग्राम मैसेज करिए इंशाल्लाह, अगर आपका किस्मत होगा ऊपर नहीं चाहा तो काम हो जाएगा, वरना ठीक है। मिलते हैं फिर किसी न्यू वीडियो से, न्यू ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।